119 केजी से 86 केजी तक अपना वजन कम कर लिया, मींस 34 केजी तक उन्होंने अपना वजन कम किया। और उनकी पर्सनालिटी देखें, बिल्कुल एंटायरली चेंज हो गई बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आप लोगों के? और हर कोई अपना वेट लॉस प्लान फॉलो कर रहा है ना? देखें, इस साल के खत्म होने से पहले पहले आप लोगों ने मैक्सिमम अपना वेट लॉस करना है। ये नहीं सोचना है कि सर्दियों में वेट लॉस नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। आप लोगों ने मेहनत करनी है, अपने कम्फर्ट जोन से निकलना है, मेरी वीडियोज़ को फॉलो करना है। और देखें, चुपके चुपके ऐसे खाली वीडियो ना देखा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, सबके साथ शेयर किया करें, मुझे सब पता चल जाता है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही फायदा है। जैसे मोहम्मद रफीक साहब ने चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियोस को फॉलो किया और अपना 4 महीने में 119 केजी से 86 केजी तक अपना वजन कम कर लिया, मींस 34 केजी तक उन्होंने अपना वजन कम किया। और उनकी पर्सनालिटी देखें, बिल्कुल एंटायरली चेंज हो गई बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर देखें आप उनकी तो। और ऐसा क्या, ऐसा वाकया उनकी लाइफ में पेश आया जिसकी वजह से उन्होंने अपना वजन कम करने का सोचा? बहुत ही दिलचस्प वाकया है। और उनका वाक्य सुन के ना मुझे ये एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कोई ऐसी ऐसा वाक्य आता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ की बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, और उसमें यानी पॉजिटिविटी की तरफ हो जाती है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है ना? तो अल्लाह ताला चाहते हैं हमारी हर तरह से बेटरमेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले उनका वाक्य सुनते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि उन्होंने कौन सी देसी डाइट, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं, क्योंकि गाँव में रह के डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, सिटी में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन किस तरह से वो कंसिस्टेंट रहे, क्या डाइट उन्होंने फॉलो की, ये सारा कुछ वो अपने मैसेजेस के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। वो बहुत ही शाय किस्म की पर्सनैलिटी हैं, उनसे इंटरव्यू में बोला नहीं जा रहा था, तो फिर हमने मैसेजेस पे ही इक्तफा किया, तो ये मैसेजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो पहले वाक्य सुन लेते हैं, तो हम उनके मैसेजेस सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाजी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं कोशिश करता हूँ कि नमाज पढ़ता हूँ, तो ये कार्रवाई शुरू करने से पहले तकरीबन कुछ अरसा पहले मैं एक दिन नमाज पढ़ रहा था, तो मेरे साथ एक मौलवी बैठा था, उसने मुझसे पहले नमाज अदा कर ली। वो नमाज अदा करके बैठ गया, जब मैंने अपनी नमाज मुकम्मल की तो उसने मुझसे बात की, उसने कहा बेटा जो आप नमाज पढ़ रहे थे ना, जब मैं सजदे पे जाता था तो मैं वेट ज्यादा था ना, तो मैं पहले सजदे में जब जाता था तो मैं अपने हाथ पहले जमीन पे रखता था, फिर मैं घुटने जमीन पे रखता था अपने। उसने मुझे कहा बेटा ये ऐसे नमाज नहीं होती है, जो नमाज पढ़ने का सही तरीका है ना, नमाज ऐसे होती है कि पहले जमीन पे आपके घुटने जाने चाहिए और फिर हाथ जाने चाहिए। मैंने उससे कहा भाई बात ऐसी है कि मेरा वेट ज्यादा है, इस वजह से घुटने तो मेरे पहले नहीं जा सकते, इसलिए मैं हाथ अपने पहले रखता हूँ फिर घुटने रखता हूँ। तो उसने कहा ऐसे मजाक में, कहा तू अपना वेट कम करो। तो मैं वो बात मेरे दिमाग में, जब भी मैं नमाज पढ़ता था ना, मेरे दिमाग में रहती थी कि ऐसा नमाज तो नहीं होती है, मुझे अपना वेट कम करना चाहिए। और मुझे ये नहीं मालूम था कि वेट कम कैसे होता है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूमती रहती थी कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए, लेकिन मुझे कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था, मुझे किसी चीज का कोई पता नहीं था कि मैं अब क्या करूं, कैसे करने से वेट कम होगा। बस मैं यही समझता था बस जो हो गया, अभी वेट कम नहीं होता। और उसके बाद 3-4 महीने के बाद आपकी वो वीडियो मेरे सामने आई, और पहले से भी मेरे दिमाग में वो बात चल रही थी, जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो फिर मुझे मुकम्मल मैंने इरादा कर लिया कि अब करना है, बस करना है। ये बात मुझे पहले याद नहीं थी, इसलिए मैंने अभी आपको बता दी। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रफीक पंजाब डेरा गाजी खान से हूँ। मैंने आपका वीडियो भी देखा था जिसमें आप और खावर भाई एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे थे, वो गांव में रहता था। तो मेरा वेट था उस टाइम 119 केजी। तो मैं 2 जून से दुबई से आया और 14 जून को मैंने वो आपका वीडियो देखा, जब पहली बार मैंने आपका वो वीडियो देखा तो मैंने ये सोचा कि अगर गांव में रह के ये बंदा अपना वेट कम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ।
और 15 जून से मैंने वो सब कुछ शुरू कर दिया। जितना तक मुझे मालूम था मैंने शुरू कर दिया, और जैसे जैसे मैं आपकी वीडियो देखता गया मुझे सब मालूम होता गया, और हर रोज मैं आपकी वीडियो देखता था। अगर आप कभी 2-4 दिन कोई नया वीडियो अपलोड नहीं करती थी तो मैं आपकी पुरानी वीडियो भी जाके वो देख लेता था, जिससे मुझे सब चीज का पता लग गया। और मैंने अपनी डाइट शुरू कर दी। डाइट में मैंने ये किया कि सुबह मैं पानी पीता था, तकरीबन निहार मुंह 1.5 से 2 लीटर जितना मैं पानी पी लेता था खाली पेट। उसके बाद मैं नाश्ता करता था, 3-4 एग देसी और देसी घी में बना के वो मैं नाश्ता कर लेता था। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के बाद फिर 1 लीटर पानी पी लेता था, यानी 1 लीटर पानी मैं उसको लेता था, वो 15 मिनट तक मैं पीता रहता था, एकदम नहीं पीता था। फिर दोपहर में भी मैं देसी मुर्गी और उसको देसी घी में कभी बना के कभी बॉयल करके वो थोड़ी सी तकरीबन 100-150 ग्राम जितना वो खा लेता था। और फिर पानी में पीता रहता था तकरीबन, जब गर्मियां थी ना तो गर्मियों में मैं तकरीबन 10-12 लीटर पानी पी जाता था, और अब जब सर्दियां आ गई है ना, अब मैं तकरीबन 7-8 लीटर तक पानी पी रहा हूँ अब सर्दियों में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने 15 दिन मुझे आज हो गए, और 4 महीने 15 दिन में मैंने अपना वेट 34 केजी कम कर लिया है आपकी वीडियो देख के तो, और मुझे सब कुछ मालूम भी हो गया है। और अब मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ, और कैसे देखता हूँ, और ये भी मेरी एक आदत बन चुकी है, जैसे एक आदमी की आदत होती है ना खाना खाने की पानी पीने की, ये भी मेरी आदत बन चुकी है कि मैं सुबह जब उठता हूँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ के जब मैं वापस आता हूँ मोबाइल लेता हूँ, सबसे पहले आपका चैनल चेक करता हूँ। अगर आपने कोई नई वीडियो अपलोड की हुई होती है तो मैं वो देख लेता हूँ, अगर वो नहीं की होती तो मैं आपकी पुरानी वीडियो को देख लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और ये मेरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है जी भाई, अभी आपने जिक्र किया कि आप नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल करते थे और लंच में चिकन का इस्तेमाल करते थे, और तो फिर आपने रोटी चावल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए, और रात में आप खाना क्या खाते थे, रात का खाना क्या होता था, जरा ये फिर से बता दीजिए। और बाजी जो मैंने सबसे ज्यादा डाइट प्लान इस्तेमाल किया वो ये है कि मैं सुबह 3-4 एग खाता था, और दोपहर में कभी कच्ची सब्जियां कभी मुर्गी, और शाम में ये होता था, आज तक भी यही है, शाम का मैंने कोई भी चेंजक नहीं की। शाम में जो भी घर में सालन पका होता है ना, सब्जी हो गोश्त हो कुछ भी हो, उसमें से मैं एक छोटी सी प्लेट निकाल के सिर्फ सालन खा लेता हूँ, बिल्कुल मैंने रोटी नहीं खाई। अगर कभी कभी कोई दिल करता तो सुबह के टाइम थोड़ी सी रोटी, वही रोटी नहीं थोड़ी, आधी रोटी जितना मैं सुबह खा लेता था, लेकिन 4 महीने से मैंने शाम की रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई, और शाम में सिर्फ यही खाया कि जो भी घर में सालन बनता था उसमें से मैं एक प्लेट लेके निकाल के ले लेता था बस। बाजी जब मुझे किसी चीज का पता नहीं था ना मेरे घर में क्या रूटीन थी, वो जो देसी अंडे देसी मुर्गियां देसी घी वगैरह ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें जो होती है ना, वो घर वाले बहने भाई, वो मेरी बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बच्चे हैं, उनको सेल कर देते थे। और नाश्ते में वो चाय वगैरह बिस्कुट बेकरी के वो वगैरह चीजें खाते थे। जब से मुझे पता लगा मैंने अपने घर वालों को बीवी को बच्चों को कह दिया कि अभी सुबह चाय वगैरह ये नहीं करना, कभी कभी अगर आपका दिल करे तो कर लो, लेकिन ये चीजें इस्तेमाल करो, इनको सेल नहीं करो, सुबह नाश्ते में देसी अंडे देसी घी वगैरह ये इस्तेमाल किया करो, और कोशिश किया करो कि खाना सालन भी देसी घी में पकाया करो, वो बाजार से ऑयल लेकर नहीं आया करो। वो बोलते नहीं हमारा देसी घी से देसी अंडे से इन चीजों से दिल भर गया है, ये हो गया वो हो गया। मैंने उनको समझाया कि इन्हीं चीजों में फायदा है, इन्हीं चीजों में सही आता है, इन्हीं चीजों में इंसान सेहतमंद रहता है, और ये चीजें इंसान को कभी यानी बीमार वगैरह नहीं होने देती।
ये अच्छी चीजें हैं जो हमें पता नहीं था, अभी पता लग गया, इंशाल्लाह तरतीब अच्छी हो जाएगी। बाजी जे जो मैंने 4 महीने और 15 दिन का वक्त गुजारा ये सिर्फ अपने आप को दिया, और दुनिया का मैंने कोई भी काम नहीं किया। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई में होता हूँ, यहाँ मैं छुट्टी पे आया और आते ही मैं इसी काम पे लग गया, ठीक है। और जो मेरा नींद का निजाम है ना, मैं सुबह जब उठता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, और दिन में मैं नहीं सोता, फिर रात को मैं अशा की नमाज पढ़ के फौरन ही सो जाता हूँ। यानी मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे मुकम्मल रात की नींद की है, जैसे आप लोग बताते हो, आपने जैसे बताया वैसे मैंने किया। यानी ये सोचो आप कि ये 4 महीने 15 दिन मैंने सिर्फ अपने आप को दिया बस। और बाजी जब मैंने फिर आपका वो वीडियो देखा जो आप इंटरव्यू आप और खबर भाई ले रहे थे अमजद नामी शख्स का, तो मैंने फिर आपका यूट्यूब चैनल खोला, उसको ऑन किया, तो मुझे पता चला ये तो सब कुछ इधर है। फिर मैंने आपकी एक वीडियो देखी, दूसरी देखी, ऐसे करते करते तकरीबन 10-12 वीडियो देख ली, फिर मैंने आपको फॉलो भी कर लिया। और मैं वॉक भी करता था, थोड़ी बहुत रनिंग भी करता था, बस ये एक तो मैंने अपनी तरफ से मेहनत की जिसका अल्लाह पाक ने मुझे सिला दिया, लेकिन उसका जो एक जरिया होता है ना वो आप बने जी, वो तो मैंने मेहनत की है, उस मेहनत का मुझे सिला मिल गया। अगर मैं आपकी वीडियो ना देखता, अगर आप ये जरिया मेरा ना बनती, तो हो सकता है मैं बस वैसे ही होता जैसे पहले था। इसलिए अल्लाह पाक आपको बहुत दे, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा, और ना जाने कितने लोग आपकी वीडियो से अपने आप को सेहतमंद कर चुके हैं, पता नहीं कितने लोग आपको दुआएं देते हैं। जब मैं इतने आपको आपको इतनी दुआएं देता हूं, तो और कितना लोग आपको दुआएं दे रहे होंगे, और अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको खैर वफियत से रखे और आपके बच्चों को सलामत रखे। जी भाई, ये तो आपने बता दिया अपना खाने पीने का रूटीन, इसके अलावा चाय कॉफी या सब्ज कहवा या खुश मेवा जात जो होते हैं बादाम अखरोट, उनका कितना इस्तेमाल किया किया या नहीं किया, और फ्रूट्स कौन से इस्तेमाल किए, ये भी आप जरा मेहरबानी फरमा के बता दीजिए। बाजी मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ना चाय की, ना कॉफी की, ना जीरा किया, ना नीम गर्म पानी किया, कुछ भी नहीं किया। और फ्रूट भी मैंने बहुत कम खाया, फ्रूट मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता कि फ्रूट में मीठा है, ये मैंने नहीं खाना है। इसलिए हाँ, फ्रूट अगर मैंने इस्तेमाल किया तो तकरीबन महीने में या 15 दिन में अगर कभी दिल कर लेता था तो एक आधा सेब मैं एप्पल खा लेता था बस। बाजी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं खाया, अखरोट नहीं खाए, बादाम नहीं खाए, काजू नहीं खाए, फ्रूट नहीं खाए, कावा चाय कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की ना चीज वो यही चीजें थी, एग थे, मुर्गी थी या सब्जियां थी या देसी घी थे, बस ये 3 से 4 चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, और बाजी जो इस वेट कम होने की सबसे बड़ी वजूहत है ना वो मुझे मालूम होती है, उसमें एक वजूहत तो ये है कि मैंने पानी बहुत ज्यादा पिया जिसका मुझे सिला मिला, और दूसरी वजूहत ये है कि मैंने अपनी 7 से 8-9 घंटे तक की नींद को बिल्कुल मुकम्मल पूरा किया, और मैंने ये जो वक्त है ना सिर्फ अपने आप को दिया है पूरी तरह से। और बाजी जो सबसे बड़ी बात है ना वो मैं आपको बताऊं कि आप हर दूसरी तीसरी वीडियो में ये कहती रहती हैं कि अगर आपका वेट स्टक हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने रिलैक्स होना है और इंशाल्लाह आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो बात है ना, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसी अच्छी लगने की वजह से मेरा 119 kg वेट था, मैंने वेट अपना कम करना शुरू किया और 86 तक मेरा वेट स्टक नहीं हुआ, लेकिन अब मेरा वेट जो है ना 86 पे आके तकरीबन 15 दिन से कम नहीं हो रहा, 15 दिन हो गए 86 पर रुक गया है, कम नहीं हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं इसको तकरीबन 70
केजी तक ले जाना चाहता हूँ, 70 तक। जी भाई, तो आपने रोटी चावल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, तो आपको वीकनेस नहीं हुई? जी बाजी, मैं रोटी रात के खाने में तो मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की, ना दोपहर में की। हाँ, कभी कभी दूसरे दिन तीसरे दिन जो यहाँ हमें मिलता है ना देसी आटा, चक्की का लाल वाला आटा, वो मैं सुबह नाश्ते में अगर कभी मेरा दिल करता तो मैं थोड़ा सा, यानी एक हाथ जितना मैं वो खा लेता था रोटी, वो दूसरे तीसरे दिन। और ये वीकनेस जो कहते हैं ना, वीकनेस की बात करते हैं कि आपको वीकनेस हुई है नहीं हुई है, वो आप लोग जो बात करते हो, लेकिन वीकनेस मुझे कोई वीकनेस नहीं हुई, क्योंकि मैं देसी खाने खा रहा था, देसी घी खा रहा था, देसी मुर्गियां खा रहा था, जो भी मैंने खाया हाई प्रोटीन और देसी करके खाया, फिर वीकनेस मुझे क्यों होगी, कोई वीकनेस नहीं हुई बाजी। जी शुक्रिया भाई आपका बहुत बहुत। बाजी शुक्रिया तो आपका है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। जी जनाब, तो आपने मैसेजेस सुने और देखे मोहम्मद रफीक साहब ने माशाल्लाह से, आप उनके मैसेजेस से आपको ये अंदाजा हो रहा है कि उनका नॉलेज उन्होंने कितना गेन किया। एक जो न्यूट्रिशन की जो लैंग्वेज होती है, पोर्शन कंट्रोल, वेट स्टक होना, प्रोटीन, ये सारा कुछ उन्होंने अपनी लाइफ तो चेंज कर ली, वजन कम कर दिया, लेकिन साथ साथ नॉलेज भी गेन किया और वो अब अपनी फैमिली को भी गाइड कर रहे होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स को। और देखे उन्होंने ऑर्गेनिक देसी चीजों का इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया, घर का खाना खाया, बाहर की सारी चीजों को, अपनी फैमिली को भी मना करते हैं छोड़ दिया, अपनी नींद का ख्याल रखा, हाइड्रेशन का ख्याल रखा, अर्ली मॉर्निंग उठते थे फजर के टाइम पे और इशा की नमाज के बाद वो सो जाते थे। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल जैसा होना चाहिए आइडियल उसको अडॉप्ट किया और बार बार वो ये कह रहे थे ना कि ये 4 महीने मैंने सिर्फ अपने आप को दिए, तो कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह से। और जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ चेंज की, आप भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन सबको गौर से देखें, सुने और फॉलो करें और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।